आए तो इनसी सेल को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। आप सभी को जानकारी दे दें कि ये सीधी तस्वीरें आप लोग हरियाणा के जिले यमुनानगर के एंटी नारकोटिक सेल से देख रहे हैं, जहां पर आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से चोर उचक के लुटेरे अपनी वारदातों को अंजाम देने के लिए अवैध हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और आज एक बड़ी खेप एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने पकड़ने का काम किया है। रंजीतपुर के पास से टी पॉइंट के मोड़ से इस युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष बताई जा रही है। और आप सभी को जानकारी दे दें कि इस व्यक्ति को जो है अवैध हथियार के साथ एक राउंड देसी कट्टे के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि इस व्यक्ति को जो है रंजीतपुर के गांव के नज़दीक ही रह रहा था, और मुखबरी के आधार पर जो है पुलिस को एक सूचना मिलती है, जिसके बाद जो है पैदल लेकर देसी कट्टा घूम रहा था। इस कट्टे से इसने पहले भी 3-4 वारदातों को अंजाम देने का प्रयास किया था, लेकिन एक राउंड देसी कट्टे के अवैध देसी कट्टे के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं किस तरीके से अवैध हथियारों के चलते जो है ये लोग वारदाताओं को अंजाम देते हैं, और वारदात को अंजाम देने के साथ साथ आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से उन्हीं हथियारों का यूज़ कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं एंटी नारकोटिक सेल के हमारे सामने इंस्पेक्टर जो है राम कुमार भी मौजूद हैं, बातचीत उनसे करेंगे। सब इंस्पेक्टर हैं, क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि साल के शुरुआत की बात की जाए तो एंटी नारकोटिक सेल नारकोटिक्स के साथ साथ अवैध हथियारों पर, अवैध जो लोग घूम रहे होते हैं अवैध चीज़ों पर भी जो है आप सभी को अंकुश कसता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो है एंटी नारकोटिक सेल यमुनानगर को मिली है कि समय एक राउंड देसी कट्टे के साथ इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस युवक का नाम काला था, और काले के नाम से ये अपने गांव के नज़दीक गांव के आसपास मशहूर था। हमारे साथ राम कुमार जी मौजूद हैं, क्या कुछ उसका कहना है, आप सभी से जानकारी बात करने का प्रयास करेंगे इस पूरी कारनामे को लेकर, क्या कुछ है और किस तरीके से इसको पकड़ने का प्रयास किया गया है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर करते रहिएगा। राम कुमार जी, क्या मामला सामने आया? हाँ, कल हम एक पेट्रोलिंग में थे अपना गाड़ी सरकारी में अपनी टीम के साथ में, रामपुर कमोयान अड्डे के पास हमें एक सूचना मिली कि एक लड़का विकास उर्फ काला है, जो छलोर गांव, जो अपने पास देसी कट्टा रखता है, हथियार रखता है, और जो आज जो है ना छलोर गांव से और ये इधर आएगा रामपुरा कमोयान की अड्डे की तरफ आ रहा है, और जो आप उसको आज काबू कर सकते हो। जो इस सूचना को पाकर के मैंने अपनी टीम के साथ रामपुरा कमोयान टी पॉइंट छलोर पे जो नाकाबंदी शुरू की, जो एक लड़का आती दिखाई दिया तो जो पुलिस पार्टी को देखकर मुड़ा तो एकदम से हम अपनी टीम के साथ काबू किया सर, क्या जिससे एक देसी कट्टा और एक जिंदा रोंद बरामद हुआ। तो देसी कट्टा अवैध है सर? हाँ, अवैध देसी कट्टा है। तो वो जिस बारे में अभियोग दर्ज किया गया है और जिसकी तफ्तीश जारी है, जिसके खिलाफ जो है ना पूछताछ में पता चला भी, जिसके खिलाफ पहले भी 3-4 अभियोग दर्ज हैं, जो विचाराधीन न्यायालय है, जो अभी पूछताछ जारी है इसके बारे में पता किया जाएगा भी ये किस सरगना के साथ जुड़ा हुआ है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और भी साथी से शामिल इसमें? ये अकेला था सर। कहाँ से लाया था ये कट्टा, कुछ जानकारी मिल पाई? ये अभी पूछताछ जारी है। तो सर, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस तरीके से घूम रहा था ये? अभी इसी के बारे में गहनता से पूछताछ करे। सर, इतना तो पता चल गया होगा कि कट्टा कब से रखा हुआ था इसमें? ये काफी 3 साल से अपने पास रख रहे हैं। 3 साल से? तो एसपी पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के निर्देशानुसार ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से अवैध हथियारों का कारोबार या अवैध हथियारों के साथ पकड़ा जाएगा तो 4 से 5 बार पहले भी इस आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में किया हुआ था। और आप सभी को जानकारी दे दें कि अब इस व्यक्ति को जो है न्यायिक हिरासत के लिए मेडिकल कराने के लिए लेकर जाया जाएगा, और लेकर जाने के बाद जो है इसका पूर्णतः मेडिकल की मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा। आप सभी को दे दें कि एंटी नारकोटिक की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें अवैध हथियार के साथ एक राउंड के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। बड़ी कार्रवाई जो है एनसी सेल यमुनानगर में करती हुई नजर आई है। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, खबरों के लिए बने रहे IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।